फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ जेई एडवांस। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, फिजिक्स आजकल ऐसा आ रहा है लाइक उससे ना आप काफी अच्छा अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो जेई एडवांस के फिजिक्स में। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर विद प्रूफ आपको मैं पीवाई क्यूज दिखाऊंगा ऐसे लाइक कि कैसे फिजिक्स में आजकल पीवाई क्यू के बेस पे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। लाइक अप्रोक्स अगर देखोगे ना अगर तो 40% के आसपास जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली है ना पीवाई क्यू बेस्ड है। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ आज के लाइक आपको कौन से चैप्टर टारगेट करने लाइक जिससे है ना आप फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर। देखो मैथ्स टफ आ रही है और लाइक उसको भी अच्छे से प्रिपेयर तो करना ही है, देन केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रॉग है फिर जैसा भी उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। फिजिक्स ऐसी चीज है लाइक जहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से स्मार्टली खेल के ना अपना स्कोर काफी ड्रास्टिकली ना इंप्रूव कर सकते हो। तो मतलब फिजिक्स को ना काफी अच्छे से इंपॉर्टेंस देना और जो मैं भी वीडियो में प्रॉपर आपको इंसाइट्स दूंगा आपको वो चीजें तो करना ही करना है। ठीक है, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन जनरली ऐसा चैप्टर जो हर जे स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए, चाहे वो जे मेंस की बात हो चाहे जे एडवांस की बात हो। तो देखो आपको यूनिट डायमेंशन सबसे पहले क्या करना है, वर्नियर कैलिपर जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वाली चीजें इनके वन शॉट्स देख लो। वन शॉट्स कहाँ से देखोगे आप, एजुनिटी पे देख सकते हो, वहाँ पे आई थिंक 25 या 30 मिनट का एक वन शॉट पड़ा हुआ है जहाँ पे सर ने ना प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज दिया विद पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा है। ठीक है, आप वहाँ से वन शॉट देख लो तो ये आप पीवाईक्यूज आपको लगाने ही जैसा मैंने कहा है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स कर ले तो उसके बाद आपको करना है ये जो अपने डायमेंशन वाली चीजें होती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डायमेंशन से हर साल एक क्वेश्चन तो आई रहा है, खासकर ना वो मल्टीपल में आता है। तो देखो यार मतलब आपके पास 4 मार्क्स 4 to 8 मार्क्स का आराम से इस चैप्टर से आप बना सकते हो। देखो डायमेंशन में जनरली क्या है ना आपका एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये सब जो मतलब बेसिकली अगर आपके फॉर्मुलास क्लियर है आपको पता है कि आप है ना आराम से इजीली डिराइव कर सकते हो डायमेंशन को। जनरली आप जो आपको याद होना चाहिए वो फोर्स का याद होना चाहिए, एनर्जी का याद होना चाहिए, देन आई थिंक उसके बेस पे आप कोई भी बना सकते हो इन जनरल। बाकी जो सब फॉर्मुला का गेम है यार, अगर आपको फॉर्मुलास पता है ना आप इजीली है ना कोई भी डिराइव कर सकते हो डायमेंशन को। ठीक है, आपको इस चैप्टर को काफी अच्छे से टारगेट करना है। और आपने पीआईक्यूज देखा तो आपको देखा 2018 में एक खाली जो हम इलेक्ट्रिक जो E=BC जो फॉर्मुला यूज करते हैं उस पर आई थिंक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था खाली उसी पर्टिकुलर चीज पे। तो आप आइडिया लगा सकता है कि मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन हिस्ट्री में आ चुके हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, तो आपको मेच्योर होने का आप इन चैप्टर्स को काफी अच्छे से टारगेट करो जिससे ना आपका एडवांस में मतलब 4 to 8 मार्क्स आपका इजिली कन्फर्म हो जाए। यार अब हम आते हैं अपने सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है अगर हम जे एडवांस फिजिक्स की बात करें। और देखो इसके क्वेश्चन ना जनरली वन ऑफ द इजीएस्ट साइड पे ही रहते हैं। जैसे मैं अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बताता हूँ, वो जनरली वो एनर्जी वाला कि एक्स बाय लैम्डा माइनस वन फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन को जे एडवांस ने हिस्ट्री में 3 या 4 बार यूज कर चुका है रिसेंट 8 सालों में। मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मुला को यूज करके हिस्ट्री में मतलब आई थिंक लास्ट के 8 ईयर्स में 4 बार सवाल आ चुका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आई थिंक देखो जनरली कभी वेलोसिटी को रिलेट करवा दिया, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इनको लाइक खेल के मतलब ये लोग क्वेश्चन डिराइव करते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपको 2021 में ऐसा क्वेश्चन आपको सेम देखने को लगता है जहाँ पे आप प्रॉपर फॉर्मुला यूज करते हो और आई थिंक आप अपने आंसर तक पहुंचते हो। तो ये पोर्शन आपको काफी अच्छे से करना, सारे पीएक्यू से आप लोग देख लेना। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो है एटॉमिक का। जनरली एटॉमिक में क्या अगर आपको सारे एनर्जी की चीजें काफी क्लियर है लाइक आपको हाइड्रोजन या फिर जो भी नॉर्मल जो अपने पढ़ते हैं अगर आपको उनके लिए लाइक प्रॉपर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको सब अच्छे से पता है, आपको कंसेप्ट पता है कि लाइक रेडियस का फॉर्मुला ये होता है, इसके प्रोपोर्शन होता है एनर्जी का, ये चीज होती है। अगर आपको वो सब चीजें में खेलना आता है वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शन होता है जेड वाई एन के फिर जैसी जो चीजें होती है तो आपको इजीली ऐसे क्वेश्चन बन जाए। थिंक मुझे 2019 में पूरा पैराग्राफ में इसका क्वेश्चन आया था जहाँ पे पूछ लगा कि फॉर्मुला किसके प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि वो इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जो एडवांस में आपको मिल जाएंगे फ्यूचर में, लेकिन आपका इन्हीं का यूज करके ना ये लोग बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बना देते। तो आई थिंक अगर आपको सारे फॉर्मुलास क्लियर है इनके, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार कि लाइक यहाँ से जो ट्रांजिशन होते हैं ये लाइमन बाल्मर जो सीरीज होती है यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी सब जो चीजें फॉर्मुलाज होते हैं अगर आपको क्लियर है और थोड़े पीवाईक्यूज लगा लो आई थिंक इस चैप्टर से आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये करना है। जो थर्ड पार्ट है इसका वो न्यूक्लियर फिजिक्स। जनरली न्यूक्लियर में अगर आपको थोड़े एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आपको लाइक जो चेंज इन मास यूज करके हम प्रॉपर जो डिराइव करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स यूज करते हैं, एंड देन अपना जो पार्ट आता है वो आता है अल्फा बीटा गामा जो डीके वाला पार्ट होता है, अगर आपको उनमें अगर आपकी कंसेप्ट देखो और थिंक ये है ना ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आई थिंक जो फिजिक्स वाला पोर्शन आई थिंक वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो डीके पे क्वेश्चन हो गया फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो टॉपिक है तो ये वहाँ एडवांस जेई मेंस जेई एडवांस केमिस्ट्री में भी टच हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स काफी अच्छे से करने फॉर जेई एडवांस। आई थिंक ये मॉडर्न आपको आराम से 12 से 16 मार्क्स आपको मॉडर्न आराम से दे देगा जेई एडवांस की फिजिक्स में। देन यार अपने मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में। जनरली ये ऐसा चैप्टर जो हर जे स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए। जनरली यार इसके क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे फिजिक्स में भी आएंगे, मतलब अगर आप ये चैप्टर सॉल्व करते हो ना देन आप इजीली आराम से 16 से 20 मार्क्स आप इस चैप्टर से टारगेट कर सकते हो। देखो इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरली इनके क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, मतलब जो आप पीवी क्वेश्चन एंटी लगा के सॉल्व करते हो कभी कभी ये पीवी ग्राफ दे देंगे, कभी पीटी ग्राफ दे देंगे, कभी वीटी ग्राफ दे देंगे, तो लाइक ग्राफ से लाइक कुछ इनका लाइक सडन एक पाथ फॉलो करेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको वहां से लाइक जज लेना पड़ेगा कि लाइक कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोबैरिक है, एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल है, तो आपको पीवी इक्वल टू एनर्जी लगा गया, फिर आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे आपको देख देख के प्रॉपर जनरली मल्टीपल में आते हैं तो आपको वहाँ से आइडिया लगा कि हाँ ये हो रहा है, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है। और जनरली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है। आई थिंक अगर आप
अगर पीएलक्यूज देखो तो 2021 में क्वेश्चन आ चुका है इसका, 19 में आया, 16 में आया, 18 में आया, ऐसे आई थिंक अगर आप पिछले 5-6 साल का डेटा उठाओ तो आपको 4 बार ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे लाइक जो फिजिक्स में भी आए इवन केमिस्ट्री में भी आए हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मुलस क्लियर करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ लेना, आई थिंक इससे आराम से इजिली आपका हो जाएगा और थोड़ा अपना ग्राफिकल अप्रोच बिल्ड करना, थोड़े पीएलक्यूज लगाओ आराम से बिल्ड हो जाता है, बहुत ईजी चैप्टर। आई थिंक ये सबसे पहले आपको टारगेट करना थर्मोडायनामिक्स, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये वन ऑफ द इजीएस्ट साइड रहने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात, आपको दोनों जगह हेल्प देने वाला है, तो सारे फॉर्मुलस अच्छे से कर लेना और इसको तो जरूर करके जाना है। देन जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इससे है ना जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा सा ही बनता है, बट आई थिंक मोर ऑन लेस साइड ये है ना जनरली थोड़ा फॉर्मुला बेस्ड होता है, अगर आपको थोड़ा लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइक इसको यहाँ से इस वेलोसिटी से दे रहे हैं तो ये ऑर्बिट में कैसे गया, मतलब समझ रहे हो, आपको अगर थोड़ी मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर है ग्रेविटेशन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं मोस्टली आपसे इसके क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादा टफर सारे आते ही नहीं है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना आप ग्रेविटेशन के पीआईक्यूज काफी अच्छे से 2007 से 2022 के सारे पीआईक्यूज लगा लो, देन आई थिंक मोस्टली आपसे ग्रेविटेशन के पीआईक्यूज काफी बनने लगेंगे। एंड आई थिंक जो फ्यूचर में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, आई थिंक इससे है ना जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही जे एडवांस में, तो इसको जरूर टारगेट करना, ये थोड़ा इजियर साइड पर रहता है, फॉर्मुलस पता है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको पता है इसके वेलोसिटी सब चीजों का, तो ना मोस्टली आपसे इसका भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर आई थिंक यहाँ से ना कभी कभी इजी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी हार्ड भी बनता है। 2022 में इससे दो क्वेश्चन आए थे जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक एक हेक्सागन पे सेंटर में कुछ पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन, और जो फ्लक्स वाला आया था फ्लक्स वाला तो आई थिंक थोड़ा इजियर साइड पर था, जो कि कौन का कुछ पूछा था लाइक कितना फ्लक्स पास होता है, आई थिंक वो बेसिक कंसेप्ट होता है, ये बहुत लोगों से बना होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे इजी क्वेश्चन भी आता है, टफ क्वेश्चन भी आता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर, आई थिंक अगर आप कोई चैप्टर थोड़ा अगर आपका कम लेवल पे भी है ना ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप इसको कहना एटलीस्ट ना इसको बेसिक लेवल पर जरूर करके जाना, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो आई थिंक इसकी चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आई थिंक इससे भी 2-3 साल आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देन हम मूव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट में। जनरली यार इसमें ना अगर आपका थोड़ा सर्किट एनालिसिस आपको थोड़ा स्ट्रॉग है, आपको थोड़ी सर्किट सॉल्व करने आती है, देन आई थिंक गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर अगर इस सब थोड़ा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, देन मोस्ट प्रोबब्ली आपसे इसके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर देख लेना यार, ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे आते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना पीवाईक्यू को, आई थिंक वो सफिशियंट रहने वाला, थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा एडिशनल अगर आप क्वेश्चन लगा सकते हो आप वो भी सॉल्व करना इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आई थिंक ये भी मोस्टली आपसे हो ही जाएगा। देन अपना जो नेक्स्ट चैप्टर वो एसी, जनरली एसी थोड़ा फॉर्मुला बेस्ड रहता है, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा कोई हाईली कंसेप्चुअल चीजें पूछते नहीं जे एडवांस में। ठीक है, तो आप एसी को जरूर टारगेट कर सकते हो, आई थिंक इससे क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि आएगा कि नहीं आएगा, तो 2022 में नहीं आया था लेकिन 2021 में आया था। ठीक है, तो लेकिन आप इसको पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, एसी थोड़ा छोटा चैप्टर है और लेकिन कंसेप्ट इसका थोड़ा मतलब इजी साइड पर था, तो आई थिंक इसको जरूर प्रिपेयर करके आना इसी को जे एडवांस के लिए। जो अपना अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है काइनेमेटिक्स। जनरली काइनेमेटिक्स ऐसा चैप्टर है लाइक जो है ना जे एडवांस में हर साल पूछा जा रहा है, मैं 20 की बात करूँ, 21 की बात करूँ या 22 की बात करूँ, आई थिंक यहाँ हर साल है ना एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स आ रहा है। जनरली वो टच कर रहे प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ी वैरायटी ला के है ना हर पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 20 में पूछ लिया था लाइक वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्टाइल करा था तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी। 21 में आया था लाइक वो प्रोजेक्टाइल करता है तो 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाता है, और 22 में आई थिंक उन्होंने कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट पे पूछ लिया था कुछ रिलेट करवा लिया था। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ही मतलब ये लोग थोड़े थोड़े अलग अलग वर्जन में क्वेश्चन लाने, आई थिंक मैं कहूँगा आप प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा क्वेश्चन देना अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, हो सकता है एक बार 1990s के पीक्यूज को देख लेना। जैसे मैं बताऊँ 2020 में जो 2021 का जो जे एडवांस का फिजिक्स का जो पेपर था जो एक्सप्लोजन वाला, वो 1988 से उठाया गया था, जो 2 मार्क्स में आया था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आई थिंक लेकिन मैं ये नहीं कह रहा लाइक क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, बट आई थिंक कहने के अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज चाहिए कंपेयर टू अदर पीपल, तो आप 1990s के पीआईक्यूज भी देख लेना। हालांकि अभी थोड़ा टाइम कम लगेगा, बट अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया पीआईक्यूज को तो 1990s के पीआईक्यूज को जरूर देख लेना फिजिक्स के लिए, आई थिंक वहाँ से कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिराइव होते हैं। और फिजिक्स अब मैं खाली काइनेमेटिक्स की बात नहीं करूँगा यार, कोई भी आपको चैप्टर उठा के देख लो आपको दिखेगा कि लाइक ऐसा क्वेश्चन तो 1990s में भी आया था और इवन अभी 2021 में भी कुछ ना कुछ देखने को मिल गया सिमिलर। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ही देगा अगर आप सॉल्व करते हो। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आपको टारगेट करना चाहते हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, और फिर साउंड वेव्स, ये सब जो चैप्टर्स आते हैं इनको जरूर टारगेट, ये थोड़ा इजी साइड पर रहता है। जैसे मैं डॉपलर इफेक्ट की बात करूँ, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएगा। देखो इन सबके वन शॉट ना आप इजीली एजुनिति या फिर फिजिक्स से आप कहीं से भी देख सकते हो, तो आपको इनको देख लेना और इन 2-3 चैप्टर्स को काफी अच्छे से टारगेट कर जाना यार। देखो मैंने जैसे बताया आपको, मैंने ओवरऑल 8-10 चैप्टर मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपको इन चैप्टर को प्रॉपर टारगेट करना है। देखो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा चैप्टर्स में मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आई थिंक ये ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक जहाँ से है ना आपसे क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब और थोड़ा मैंने आपको पीआईक्यू के एग्जांपल्स भी दिखाया लाइक कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, मतलब कैसे पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन इन चैप्टर से आ रहे हैं। तो अगर आप इजिली इन चैप्टर से ना 30-35 मार्क्स अगर निकाल लेते हो ना, देन आई थिंक आप काफी सेफ क्वेश्चन में चले जाओगे इफ आई टॉक अबाउट जे एडवांस। ठीक है, तो इन चैप्टर को काफी अच्छे से टारगेट करना। एंड देन अभी जो मेन क्वेश्चन आता है लाइक आप लाइक अगर देखो फिजिक्स में जनरली फिजिक्स इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है ना, आपको लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके, देन आई थिंक फिजिक्स में आप काफी मजा आने वाला हो। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तगड़े लेवल पर, अगर आपको प्रॉपर बेस अच्छे से पता है लाइक हाँ ये चीजें ऐसे ये फॉर्मुला ऐसे डिराइव हुआ है, देन आई थिंक आप बहुत अच्छे लेवल पर फिजिक्स की मैं बात करूँगा। तो
अगर फिर भी आपको जरूरत होती है कि लाइक भैया थोड़ी थ्योरी के लिए लाइक थोड़ा हल्का सा थ्योरी भी पढ़ना है, मतलब थोड़ा नॉलेज मिल जाए थ्योरी के बारे में भी, देन मैं बोलूंगा आप है ना जो फिजिक्स क्लासिक जो एडवांस बूस्टर चेकलिस्ट आप उसको देख लो एक बार, आई थिंक वो भी आपको लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आई थिंक लास्ट ईयर सर ने आशीष अरोड़ा सर ने उसको इंट्रोड्यूस किया, जो बूस्टर चेकलिस्ट के नाम पे आपको मिल जाएगा फिजिक्स क्लासिक के चैनल पे, उसको फॉलो करा। उसमें आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे एक घंटे में उन्होंने थ्योरी कवर किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी जो आपको एक मंथ एक महीने में आपको वो रिवाइज करने को मिल जाएगी, ठीक है उसको आप जरूर से देखना। और आई थिंक आप एडवांस क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो लास्ट के मंथ में फॉर फिजिक्स इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा स्मूथ चल रहा है देन आई थिंक मैं बोलूंगा आप एडवांस क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो। आई थिंक उसमें भी है ना काफी मतलब अराउंड 700 इलस्ट्रेशन की जो बुक्स आशीष अरोड़ा सर की आप वो भी देख सकते हो। आई थिंक उसमें भी ना उन्होंने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को बताया हुआ, जैसे मैंने सॉल्व किया तो मैं उसमें बताता हूँ। पता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लाइक जो है ना 1990s के जो ओल्ड जेईई सब्जेक्ट होते हैं ना वहाँ से उठाए हुए, मतलब समझ रहे हो। तो आई थिंक अगर आप या तो आप सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज करो या तो एडवांस क्लासिफिकेशन देख लो, दोनों एक ही जैसी चीज है और आपकी मतलब काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इफ आई टॉक अबाउट जे एडवांस फिजिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये रिसोर्स आप यूज कर सकते हो प्रॉपर, जिससे लाइक आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो जे एडवांस फिजिक्स के लिए। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार तो वीडियो लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब भी करना चैनल पर, आगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली लाइक जिससे ना आपका एडवांस में स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट होना, ठीक है यार। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और यार सब्सक्राइब करना चैनल पर यार।